ये बहन है जो भाई मंजू हाँ दिल्ली खेड़ा से आती है मेरे पास। जी और भाई वास्तव में कहती हूँ हीरा का आगरा ना हीरा ही है, जी यूँ समझ लो। अक उस इसे परिवार में तल्ले कटना, गांव में तल्ले कटना हाशी खेल नहीं है। जी और बहुत अच्छे इनके हस्बैंड को तो मैं जितने इनकी तारीफ करूँ, इनसे ज़्यादा बेस्ट जो हैं वो इन दोनों के हस्बैंड हैं। इतने सीधे हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं। ये बहन है मंजू खेड़ा से, दादा दादा समाद समादवाड़ा। दादा समादवाड़ा हाँ कितने सब्सक्राइब बना अपने? होंगे भाई 1500 के करीब। हाँ, तो सुलेखा बहन का बर्थडे था, मैं अच्छा। आई 18 सितंबर ने। अगले दिन 19 तारीख ने मेरे हस्बैंड ने मेरा चैनल बनाया था। इन्हीं की वजह से मैं बाहर निकल पाई हूँ। वो कह यानी कर डाचा तो खड़ा कर दिया, जो घर ने श्रृंगार है ना वो जो सुलेखा बहन ने दिया। हर पहले के थी एक डंग पई नहीं थी, आड़े तार देर घर पहुंच जाऊं। अरे भी सी है सुलेखा सिद्धि लोकेशन दे है पहुंच मंजू। ये मंजू इसी हो रही है, बहुत बोल्ड हो गई है, बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई है। बहुत बढ़िया बाणा, हम भी चाहवा तरह जल्दी जल्दी तरक्की हो, फिर आपका इंटरव्यू लेवांगे। हाँ। राम राम। नमस्ते। के नाम से चैनल है? मीना मलिक के नाम। मीना मलिक। कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे 2600। 2600। बहुत बढ़िया। बहुत किसा लागे 2600 हो गए? 0 पे तो 40 2600 होता है। एक एक व्यूअर डरा जब भी घनी खुशी मिले। और बाण कमेंट करे है भाई, हम आपकी वीडियो देख का इंतजार रहा है हमने कि आप नई वीडियो कब डालोगे। बहुत बहुत खुशी मिले भाई। बाण तो राय था ना, किसा महसूस? बहुत महसूस भाई। से देख के माई मैंने खुद फोन करा था वे, मैं तेरी फ्रेंड और मैंने बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने अपनी गला ले ले। बेबे ने मेरे में कुछ लग गया था, मैं बेबे ने फोन करके अपनी गला ले ली। तीजा का और बता दे जी, तीजा पे क्या खास कर रही तू? हाँ जी, और भाई सबको ऑल ओवर इंडिया में हर बहन तक ये मेरा संदेशा, और हाथ जोड़ के बिल्कुल निमंत्रण है, दिल से निमंत्रण है आप सबका। जितनी बहनें हैं उनकी, चाहे रिश्तेदारी में कितनी है भी बहन बेटी बहुए हैं, सबको लेके 16 तारीख को बहादुरगढ़ हरी गार्डन में मेट्रो पिलर नंबर 816 के सामने है और पुराना बस अड्डा है, वहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। 11 बजे से कीर्तन और जो प्रोग्राम होगा वो हमारा शुरू हो जाएगा, और 2 बजे का हमने लंच टाइम रखा है। बाकी प्रभु इच्छा तक जो बालाजी महाराज चाहेंगे, जब तक तो दुमा ठाणा है। हाँ, इस बात की गारंटी है, जो एक बार अपने बाण दोहरा जाए वो शायद छिन्नू ना कहता कब जाएंगे। तो भाई अच्छा लगे, कर दो शेयर कर दो इसने फटाफट, अरे गार्डन भर जाना चाहिए ठाडा। हम तो कहा बाण उठ लेगी ना भीड़। देख लो भाई, आज पहली बार मेरे पास भाई आए हैं, भाई का एकदम देखूंगी मैं तो, है ना। हाँ, क्योंकि मीडिया के थ्रू कह लो पहला फरिश्ता मेरे घर में आया है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मेरे भाई का, और मैं तन को मेरा भाई दिन दोगुने रात चौगुने तरक्की करे। सागर खेड़ का स्टूडियो के नाम से इनका चैनल है, जरूर से भी जरूर देखना। आपके प्यार की बड़ी उम्मीद है हमने, और तीज पर तो वो दिखाना है जो कभी जिंदगी में ना दिखाया हो। तो सारी बहनें वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय बाबा की, जय माता की। सागर खेड़ का देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश देसवाल की राम राम। नमस्ते भाई। हाल फिलहाल बहादुरगढ़ में बैठे हैं और ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं आपको जो भजनों से, और भजन मंडली है और कीर्तन वगैरह है, और एक समाज सेवी भी कह सकते हैं, क्यों काफ़ी समाज में भी सेवा कर रहे हैं, क्यों गौशाला में भी इनका मान सम्मान किया गया, वहाँ भी जाते रहते हैं, और दलाल गोत्र से हैं, और हमारी बड़ी बहन समझो इसको। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। बहन जी एक बार अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को। सबसे पहले नमस्कार आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। जय बाबा की, जय माता की। आप सबकी लाडली सुलेखा दलाल बहादुरगढ़ मेहंदीपुर डाबोदा की बेटी हूँ। श्री जय भगवान दलाल मेरे फादर का नाम है, और गांव में तो मेरे दादा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। बिहारी लाल की मैं पोती हूँ, और जन्म स्थान मेरा बहादुरगढ़ ही है। और कुछ टाइम पहले जैसे कि 2003 में मेरी शादी हुई थी रसूलपुर गांव में वहाँ, और 2007 में मेरी नौकरी लगी थी, मैं फरीदाबाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। तो फिर मेरी रोहतक में ट्रांसफ़र हो गई, मैं बहादुरगढ़ आ गई। बहादुरगढ़ आने के मुझे हो गया शायद 10 साल हो गए हैं मुझे बहादुरगढ़ में आए हुए, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत और मेरा वक्त इतना अच्छा आएगा, मैं नहीं जानती। पर हाँ, मैं एक बात की गारंटी दे सकती हूँ कि जो परमात्मा का आशीर्वाद लेके चलता है और जो नेक नीति से चलता है ना, उसका वक्त अच्छा ज़रूर आता है। मेरा वक्त आया 2020 में। 2020 में यूँ समझ लो कुछ ऐसी बात हुई कि मेरी बेटी लॉन टेनिस खेलती है, वो इंडिया नंबर 1 प्लेयर बनी अंडर 12 की और अंडर 14 की। तो उसको बेंगलोर जाने का मौका मिला, वो बेंगलोर चली गई, मेरा मन नहीं लगा उसके जाने के बाद, क्योंकि वो 2400 घंटे मेरे साथ रहती थी। उसके जाने के बाद मैं बड़ी उदास रहने लगी। तो कहते हैं परमात्मा के बाद
उस परमेश्वर के बाद एक पति परमेश्वर होते हैं, और मेरे पति ने मेरे उस दर्द को समझा कि मैं अपने आप को अकेला फील करने लगी। उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि सुलेखा ऐसे तो तू ज़्यादा बीमार हो जाएगी, तू ऐसा कर तू भजन गाने लग जा। और उनके आशीर्वाद से मैं भजनों में आई, और बाबा का आशीर्वाद रहा कि 6 महीने में मैं इतनी फेमस हो गई कि मुझे खुद में ही नहीं पता कि मैं इस लायक भी थी। और मैं तो यूँ कहती हूँ बहनों, अपने आप को कभी भी ये मत समझना कि आप छोटे हो। जिस दिन पहली बार आप YouTube पे आ गए, आप नंबर 1 स्टार हो उसी दिन से, और आप अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानो कि आप सोशल मीडिया पे आ गए हो। और यूँ कहती हूँ, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है, और कहते हैं ना दिल पाट के दिखाने की चीज़ को ना यो भी दिखा दूँ। लेकिन बहनों, जिसमें टैलेंट है ना, बहन बेटी और मेरी जितनी मातृशक्ति है ना, अपने आप को निकाल लो, क्योंकि फिर कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार इंसान जब चला जाना, फिर उसके पास कुछ नहीं रहता, वो फिर चला जा है। तो जो भी टैलेंट है मेरी बहनों का, मैं यूँ कहूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ बहनों, सामने आ जाओ, इस देश को इतना आगे ले आओ कि स्त्रियों ने जब बढ़ के पुरुष प्रधान बनाया था ना, तो आज उन पुरुषों का साथ लेके स्त्री प्रधान देश भी बना लो। ये मैं कह रही हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे, अपने गुणों को दबाओ मत, सामने आ जाओ। तो बाणते हमने परिचय मांगा था, पर पूरी कहानी बता दी परिचय में। बाणना हमने पूछने का कुछ रहा है नहीं बाण ना भाई, एक दो सवाल पूछेंगे। हाँ। बगैर गुरु के ज्ञान बाण है, आप तो टीचर भी रहे हो, बगैर गुरु के कह रहे ज्ञान नहीं मिलता, तो ज्ञान कहाँ से मिला? ज्ञान भाई जी यूँ क्या कर रहे हैं, वक्त और समाज सब कुछ सिखा दिया करे। किसी ने न्यू कही थी, ए समाज बहुत बुरी चीज़, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल लिख के दे सकती हूँ अगर कोई मेरे द्वारा लिखवाए कि समाज जैसी तो चीज़ को ना जगत में, इस समाज ने मेरे को फर्श से अर्श पे ला दिया। यूँ क्या करा, औरत औरत की दुश्मन नहीं, औरता ने मैं फर्श से अर्श पे ला दी। मैं क्यों कर कह दूँ कोई बुंडी है, कोई आदमिया ने नहीं मदद करी तेरी? आदमिया ने तो देखो भाई, यूँ क्या करा है, हमारे देश में औरत टैलेंटेड भी है, लेकिन वो बेचारी दब चुकी थी, लेकिन उनने मेरे को बैक दी, तो मेरा भी फर्ज बनता उन्हें बैक दूँ। और उनकी बैक कौन है, उनके हस्बैंड है, उनके माँ बाप हैं, उनके भाई बंधु हैं। तो मैं पुरुष प्रधान, तो मैंने पहले ही कह दिया कि पुरुष हाँ बिल्कुल। तो मैं यूँ ये कहूँ, सबसे पहले तो मैं नमन करूँगी उस पुरुष प्रधान देश, इसीलिए तो बनाया था कि पुरुषों की इजाज़त के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तभी मैंने अपने पति परमेश्वर का नाम लिया था इसी बारे में कि हाँ, उनकी इजाज़त के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई ज्ञान की बात, ज्ञान तो भाई न्यू का आग्रह परमात्मा का तो आशीर्वाद था, और फिर समाज ने इतना आशीर्वाद दे दिया, यो ज्ञान है, सारा समाज मेरा गुरु है, मैं तो सारे समाज ने अपना गुरु मानू हूँ, और मैं क्या इन्हें गुरु नहीं मानती। तो बाण जिस तरह आप सत्संग करो हो, जागरण मंडली है, किस तरह का प्रोग्राम करो हमारे दर्शकों में? भाई कीर्तन करते हैं जी। और कीर्तन के माध्यम से इतने फेमस हुए ना, इतना प्यार मिला, तो जागरण के लिए ऑफर आने लगे, लेकिन प्रॉपर जागरण मैं नहीं करती। जागरणों में केवल 1 या 2 घंटे की एंट्री पे जाती हूँ, और उस एंट्री में 2 घंटे जब हम गाते हैं पूरी टीम के साथ, तो उड़ेगी सारी मातृशक्ति या भाईचारा, जितना भी बैठा हो ना, सारे नु कागरा छोरी इब नहीं जागी और सुने हैं हाँ, तो मतलब और इच्छुक हैं वो उस चीज के कि वो और रुके थोड़ी देर के लिए, जल्दी हो जाए शाम न लगो, तो मतलब जल्दी सुबह हो जाता हाँ। तो काफी सवाल है हमारे मन में, टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछेंगे। जो यो गुरु चेले का है, कोई आप भी किसी के गुरु बने हो? नहीं भाई, आप तो गुरु कह रहे हो, गुरु मैंने बनाया नहीं, मैं तो सीधी भक्ति में घुस गई, तो आपने भी तो गुरु मानते होंगे? हाँ, मैं YouTube पे जब से आई हूँ ना, बहुत सिखाया इनको गाना। हाँ देखो, माता पिता तो जन्म के दाता हैं, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता है। और मेरे को, मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं और इतनी बहनें आती हैं ना, यूँ कहें दीदी आप हमारे गुरु, मैंने कहा नहीं लड्डो, गुरु में गुण होने चाहिए। इन्हों कहे दीदी आपने के बेरा आपके गुणा का गुण है जब तभी आपकी सुने हाँ। तो कईयों ने, एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया था, उनकी बातें मेरे से भूली नहीं जा रही आज तक भी। मुझे याद है कि मैं अपनी बेटी के पास बेंगलोर जा रही थी, गाड़ी में थी, फ़ोन आया कि सुलेखा तू तो कृष्ण बनेगी और हम सुदामा कद बनेंगे। तो मैंने एक बात कही, दीदी कृष्ण तो आप सब हो, मैंने सुदामा की आती, मैं सुदामा कद बनूंगी। बोली लाडो तू तो बनगी। तो यूँ क्या करे भाई, जब दिल की गहराई है तो कोई शब्द बोल लिया करे ना, तो यूँ सोच लो वो भगवान के बोले हुए शब्द है, मैं नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं मेरी जिंदगी में जो भी इंसान आया है, जो भी मातृशक्ति, जो भी मेरे भाई बंधु, जो भी मेरे बेटा बेटी आए हैं ना, वो साधारण नहीं है, वो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं मेरे लिए। तो भाई काफ़ी मान सम्मान करे है, या जहाँ भी जाए उनका भी और इनका भी मान सम्मान हर जगह हुआ है। तो एक बात और पूछा है जी, हरियाणा में जाकर बाहर भी गई है कितना, जिस तरह हरियाणा से बाहर अपना पूरा इंडिया पड़ा है, पूरा देश पड़ा है। हाँ, बाहर से फ़ोन भी कई आए हैं, और हरियाणा में ऑलमोस्ट तो हरियाणा में ही गई हूँ, लेकिन राजस्थान में भी,
और चंडीगढ़ अम्बाड़ा, मतलब काफ़ी हद तक गई हूँ बाहर, और दिल्ली में तो ज़्यादातर जाते ही रहते हैं। दिल्ली का तो टच ही हुआ। हाँ हाँ, तो दिल्ली का तो कोना कोना ही ज़्यादातर छान लिया है। बाकी ये आप सबका आशीर्वाद है भाई जी, मैं तो यूँ कहूँगी। तो पढ़ते थे जब ही शौक लगा इस चीज़ का कि बाद में शौक लगा आपको, जैसे मान लो भजनों का? जब से अपनी याद संभाली है। अच्छा, नाचना जब से आता था। लेकिन मेरे मम्मी पापा को ना समझो क्या करते, जब मेरी मम्मी मैंने गीता में लेकर जाया करती ना, सारे नु कहती तेरी छोरी बहुत बढ़िया नाचा है, पर मेरी माँ ने कभी विश्वास ना होया था। नहीं पता थी यूट्यूब भी आएगा और इस तरह का भी। वो बेचारे सीधे स्वभाव से जी रहे हैं। तो माता पिता का तो मेरा ये है, मेरे फादर इंडियन ऑयल से रिटायर्ड है और मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है। लेकिन मेरी मम्मी, मैं तो यूँ कहूँगी भगवान ऐसी माँ सबको दे, मेरी माँ ने चाहे किसी का गीत थे, चाहे किसी का खोड़िया था, चाहे किसी का कीर्तन था, मेरी माँ मेरे बिना की तक गई को ना। मतलब शिकायत माँ ने दी है? माँ ने। हाँ, जब भी अपनी माँ के पास मैं बैठती हूँ, आज तक भी मेरा यही रिकॉर्ड है, जब भी अपनी मम्मी के पास बैठती हूँ, मेरी मम्मी मेरे को यही कहती है, कहना यो भजन या सीखा ही हूँ, आ जाइयो भजन गावांगे हम, और कोई दूसरी बात नहीं करते, किसी की भी नहीं करते। की माँ को कैसा महसूस हुआ जब ये प्रोग्राम में जाओ हो, आपका मान सम्मान हुआ, तो कैसा महसूस हुआ? देखते होंगे वो भी? देखती हैं। दो बार जब हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया था तो मेरी मम्मी पापा वहीं थे, लेकिन मेरी मम्मी कभी सी ऑफ नहीं करती है, ऐसा कि भाई वो उनको लगे कि या वो खुश होती है। वो यूँ कहती है, बेटा बड़ाई दूसरे मनसा दोरो होया करे, अपने माँ बाप ने तो कोई बच्चा बूंदा ना लागता। तो मेरे मम्मी पापा कभी भी, आप देख लेना, बड़े साधारण से हैं, और कभी भी वो आपको ये शो नहीं करेंगे मारी छोरी न्यू नहीं। अच्छा। वो एक साधारण जिंदगी जीने वाले इंसान है। तो आप इतने बड़े स्टार है बन गए, आप मान लो स्टार हो, भक्ति के स्टार हो गए। हाँ। तो आप में कभी ईगो पैदा हुई, जिस तरह मान लो नो अभी मेरे इतने सब्सक्राइब हैं, या मैं यहाँ तक पहुँच गई, गांव की साधारण लड़की थी, डांस करती थी, जात जाकर अपनी माँ के साथ जाते थे जैसे, और आज कुछ लेवल आपका, तो कुछ मन में बढ़ा कुछ ऐसा? भाई जी, जिस दिन ईगो आ जाएगी ना, उस दिन तो परमात्मा दो अगला सांस भी कोने मांगती। भगवान, जिस दिन आपकी बेटी में ईगो आ जा या थोड़ा सा भी एटीट्यूड आ जा, बेशक ठा लिया मैंने जीना भी को ना। एब तो सुलेखा का एक का सपना है, जीवेगी इतना शांत है, मरेगी भी शांत है। जब सुलेखा मरेगी तो लाख सुलेखा तैयार करके जाएगी, यो मेरा वादा है। सोशल मीडिया पे हर पूरे समाज के हर बंदे तक ये मैसेज मेरा जाना चाहिए कि एक सुलेखा मरे तो लाखों सुलेखा आ जाइयो, बार बता दिए बेबे स्पेशल थारे लिए। बहुत बड़ी बात कह दी बहन ने, अगर तैयार हो जाओ, जिसके मन में थोड़ा भी संकोच है सोशल मीडिया पर आने का, तो वो आस्क है, इसने देख कर, बढ़िया परिवार है, और हमारे भाई साहब भी पढ़े लिखे होंगे, वो भी नौकरी पे होंगे जिस तरह। हाँ जी हाँ जी, मेरा ससुराल यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे नहीं, नहीं, मेरे ससुराल पक्ष में ना सारे ही वेल एजुकेटेड बंदे हैं। हाँ, तो पांच बहन भाई हैं, ये पांचों ही वो अच्छे पोस्ट पे हैं और सारे सरकारी नौकरी पे भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने भी अपने छोटे भाई का मान रखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई का मान रखा कि भाई अगर वो अपनी वाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो साथ हैं, बिल्कुल सारे साथ हैं। वो सब मेरी वीडियो देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। गाँव गंवांड में कति रुका हो रहा है, वो गाँव वाले के फ़ोन आवे जब बेरा पट्टा आगरा, बाकी मैंने बेरा नहीं था इतना एक भाई। सबसे अच्छा प्रोग्राम आपकी याद में, कितने साल हो गए वैसे काम करते हुए आपको, और सबसे अच्छा प्रोग्राम कहाँ का लगे आपको, जो आपको याद आता रहता हो कि वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया था? भाई जी, प्रोग्राम करते तो मुझे अभी 2.5 साल हो गए हैं पूरे, 5 जनवरी को 3 साल हो जाएंगे, और सारे प्रोग्राम यादगार हो अगर, क्योंकि जब मैं जाऊँ ना तो डोलते भी मेरा स्वागत होने लग गया, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो प्रोग्राम सारे ही यादगार है, क्यों? वो यादगार उन बहनों ने बना दिया, कतिनू कोली गालने हैं, फोटो खिंचवाने थे ना, कतिनू का आग्रह हाथ भी पाड़न ना हो जाए, कहीं सुलेखा मारी बस मेरे तो उड़े सब पूरा हो जाए, कति मेरा तो कुछ बाकी नहीं रहता फिर। अच्छा। जब इन्हू कह दे ना सुलेखा आ गई, बस भाई जी मैं तो बस पूछो मत, दिल बाग बाग हो जाए। अच्छा, असल में इतना टाइम मिलता नहीं होगा जी किसी की वीडियो देखती हो आप। बाकी आपका मेन फेवरेट कौन है सोशल मीडिया पर, जो आपने अच्छा लगता हो? सोशल मीडिया पे मेरी वो बहनें फेवरेट हैं जो बिल्कुल शुरू दिन से मेहनत कर करके यहाँ तक आई हैं, सारी फेवरेट है, बिल्कुल सबको मैं इतना ही प्यार देती हूँ, इतना ही मान सम्मान देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी मुझे ऐसे ही प्यार और सम्मान दे। सारी ही हीरो हैं एक तरीके से, सारी हीरोइन का रोल मेरे सामने आ जाता है, देखती हूँ, टाइम लगता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ, सारी बहनों को देखती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है और मैं सीखती भी हूँ। तो बाने इनका और परिचय दे, जो बहन बैठी हैं कौन कौन है, मतलब कितना साथ दे रही है आपका, कहाँ तक साथ दे रही है बताओ जी। ये हमारी बहन है सुमन धनखड़, राम राम जी सभी को। अच्छा, इनके भी अपने चैनल हैं क्या आपके? नहीं नहीं, हाँ जी, इस बहन का कोई चैनल नहीं, मेरा। ये बहन मंजू दिल्ली खेड़ा से, खेड़ा गाँव से है, और यूँ समझ लो
ये बहन हमारी जो है मीना मलिक बहादुरगढ़ से ही हैं, वो संगीता वो फिलहाल वैसे यूपी से हैं, लेकिन उसने जो मेरे लिए किया है आज तक कोई सगी बहन नहीं कर सकती, वो 10 साल से मेरे साथ है। दुनिया ने बांझी भी मारने की कोशिश करी होगी, मन मेरा क्या किसी ने करी नहीं, बाकी न्यू है वाह भी बाड़ा कह न्यू कोई वो कौन है उसने दीदी कोई क्या कहेगा, मैं यूँ क्या करती लाडो कोई तो बहुत अच्छा भी कहेगा टेंशन ना ले। ये बहन आई हैं, ये बहन सोनीपत से हैं, सोनीपत से 2 साल हो गए हैं, 2 साल से यूँ सोच रहा हूँ मन ने नहीं बेरा था कित लुक रही थी कित आएगी और के बनगी घर का के सदस्य बनगी मैं खुद नहीं जानती। इस टीम ने तो मैं ये बतौर बाकी है मेरी टीम की वो चली गई हैं, बाकी ये आ गई थी तो मैं इनको कहूँ जो इन दिया है ना वो कोई किसी तरह नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात तो समय, इन जो समय दे दिया इन सब कुछ दे दिया। कई जगह हैं जैसे गुरु चेले का है, कई गुरु बदनाम भी हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी आई खबरें, बड़े चैनलों पे भी आई हैं, इस लेवल में रह के कोई आप तो नहीं कहता इस तरह की बातें आपके आगे नहीं आती कोई? नहीं भाई जी, आज तक कोई भी नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव पॉइंट मेरे सामने नहीं आया है, और क्योंकि मुझे पता है मैं जिस रास्ते चल रही हूँ वो गलत नहीं है। एक ही बात कहती हूँ, कोई गलती लग गया तो मुँह पर कह दियो, पीठ पीछे मत कहिए। मैं दिल की गहराइयों से ही बताना चाहूँगी, इसको हल्के में मत लेना बहनों, स्पेशल बहनों के लिए संदेशा है, और उन भाइयों से तो मैं आज जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बहनों को अपनी माओं को अपनी पत्नियों को और अपनी बेटियों को मौका दे दो, यो ए टाइम है आगे ल्याण का। नुकाया करे आप उनका दायां हाथ हो, आप उनकी रीढ़ की हड्डी हो। फिर मैसेज जाता है मेरा उन बहनों को कि बाणो डरना नहीं है किसी तय, समाज मारेता है और हम समाजते हैं, समाज तो इतना अच्छा है कि समाज जितनी अच्छी चीज़ है कितने भी को ना, तो अपने आप को निकाल लो, जी लो जिंदगी जिसी जी जा, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। टीचर को भी गुरु का ही दर्जा दिया गया है जी जी, तो किस चीज़ में टीचर हो आप थोड़ा बताओ? मैं JBT टीचर हूँ, रोहतक में मेरी पोस्टिंग है, और यूँ समझ लो वो बच्चे जो है ना वो मेरी जान है। मैं फ़िलहाल रोहतक में हूँ और रैनकपुरा मेरा स्कूल है, और 5वीं क्लास फ़िलहाल मेरे पास है, और उस क्लास के जो बच्चे हैं सच में बड़े प्यारे हैं, मेरी जान है, वो मेरे से भी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी मैडम अभी तो स्टार है, सुपर स्टार जल्दी बन जाए। हालांकि बच्चे हैं उनको नहीं पता, लेकिन फ़ोन के बारे में उनको पूरा ज्ञान है। रात ने प्रोग्राम पर रहो, सारी रात प्रोग्राम पर लग जाए, फिर सुबह टीचिंग के लिए वो बच्चों के पास कैसे जाते हैं? भाई जी रात के प्रोग्राम थोड़ा कम करती हूँ, और दिन के भी जो प्रोग्राम है वो लिमिट के होते हैं, तो इवनिंग शिफ्ट का मेरा स्कूल है, तो समय दे देते हो? वो समय भी स्कूल में भी दिया जाता है, और छुट्टियाँ तो जैसे मैं पहले भी काफ़ी करती थी, बेटी खेलती थी तो, लेकिन वो रूटीन अच्छा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मेरा स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मैं तो जहाँ भी रही हूँ ना इतना महान स्टाफ, मुझे नहीं पता था भैया कि इतने अच्छे अच्छे फरिश्ते भी छुपे हुए हैं, हो सकता है परमात्मा ने वो मेरे लिए ही बना रखे हों, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा स्टाफ, मैं अपने स्टाफ का जितना भी धन्यवाद करूंगी उतना कम होगा, मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव। सुलेखा बहन एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, आप बिजनेस को लेकर ये कार्य कर रहे हो कि समाज की भलाई के लिए कर रहे हो, या किस तरह मतलब फीस वगैरह कैसे ले रहे हो? भाई साहब मैं तो भाई जी एक बात कहूँगी कि मेरे साथ जो टीम है ना वो घर छोड़ के आती है और वो मेरे को समय देती है, बच्चे सब गए हैं, सब बालका ने पाले हैं, मैं तो हर बहन को संदेशा दूंगी जो भी कीर्तन के लिए जाती हैं उसमें हम कीर्तन के नाम पे कोई कहता ना पैसे मांगो, मांगने पड़ते हैं और मांगने भी चाहिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, गाड़ी भी हो जाए, गाड़ी भी है, जाना भी पड़ता है, भले गाड़ी में पेट्रोल ना डाले उनके घर तक क्यों कर पहुँचेंगे। दूसरी बात कि जब सारी 7 बहन मेरी गैल उठ कर जहाँ हैं तो भाई रोजी रोटी तो उन्हें भी चाहिएगी, क्योंकि इनका आग्रह है औरत को पूछने वाले हैं ना 1000 खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले घर में एंट्री करते ही बच्चे पूछते हैं मम्मी पैसे दे दो, फिर हस्बैंड पूछेंगे के ले आए हो, देखो कोई भी औरत है ठीक है, मैं भी एक औरत हूँ तो मैं हर औरत का दर्द समझ सकती हूँ, तो भाई जी मैं यूँ कहूँ कोई भी बहन अगर कीर्तन करती है तो पैसे लेने चाहिए, क्योंकि भगवान ये नहीं कहता, भगवान ने कहा बेटा आराम का खाना छोड़ दो, मेहनत करके चाहे मेरे नाम पे कितने कमा लो कोई दिक्कत को नहीं। सुलेखा बहन मान लो कोई वहाँ पे चले गए आप बुला लिए, वहाँ गरीब घर मिल गया तो भाई जी गरीब मिल गया, मान लो कई बार हो जाता है। रही बात गरीब की, सबसे बड़ी बात तो गरीब कौन होता है, इंसान दिल से होता है। हाँ रही बात गरीबी अमीरी वो नहीं है, क्योंकि मेरे को ये पता है इच्छा वही ज़्यादातर रखते हैं जिसके पास थोड़ा सा भी बजट होता है, और दूसरी बात कोई गरीब है भी तो उसके लिए मैं एक ही बात कहती हूँ कि बहन सबसे बड़ी बात तो कीर्तन जब कराओ
जब आपका थोड़ा सा भी बजट हो, क्योंकि जो आपके घर आ रहा है ना वो भी एक गरीब परिवार से ही आ रहे हैं, सब कोई अमीर कोई नहीं जाता किसी के घर कीर्तन करने। और दूसरी बात कि आप बजट बिगाड़ के कभी कीर्तन मत करवाना, कर्जा लेके कभी कीर्तन मत करवाना, कोई बात नहीं, जब आपका वक्त हो, जब आपको लगे कि थोड़ा टाइम बाद करा सकते हैं जब करा लेना, कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखो भाई मैं कर लेती हूँ, हाँ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसे कहती हैं बेबे मारती, हाँ बेबे थारती, मैं कहती हाजिर हूँ, मैं अपना सब कुछ छोड़ने तैयार हूँ, पर जो टीम आपके सामने है उनका तो देखो वो दें या मैं दूँ, इनको तो देना पड़ेगा। फीस पूछना चाहते थे बहन? फीस हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग एरिया की मैंने अलग अलग फीस रखी है, जैसे बहादुरगढ़ से बाहर कहीं भी जाऊंगी 15,000 रुपये से शुरू हो जाती है मेरी फीस। हाँ जी, थोड़ा सा वो किलोमीटर के हिसाब से भी है। कोई हमारे चैनल पे देख रहा हो वीडियो और वो चाहता हो कीर्तन कराना, उसका मन बन जाए तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? हाँ वो कॉन्टेक्ट करे और नंबर वगैरह और बता दो बहन अपना नंबर जो भी है। मेरा नंबर वैसे तो मेरे ही चैनल, मेरा जो चैनल है सुलेखा दलाल के भजन, उस पर हर वीडियो के नीचे मेरा नंबर भी है, और बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं बता देती हूँ 94-666-75-359 4666-75-359, ये आपकी लाडली का नंबर है। कर लियो भाई, जिसका भी मन बने मन बना के ही फोन करियो, बाण दो रहा हूँ काम खा तो बिजी रहे हुए हैं, इभी बिजी थी बहनी जा थी कि प्रोग्राम था इनका, लेकिन हमने 5 मिनट ली और हम इसके छोटे भाई करके या रुक गई ना तो चली जाए शायद। ये दलाल मैं देश वालों, हमारा भाईचारा है, बहन भाई का रिश्ता है हमारा, और भाई आप भी रिश्ता बना के रखो और बहन का प्रोग्राम कराते रहो, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा, हमने काफ़ी जगह सुना इसलिए हमने इंटरव्यू लिया है, और काफ़ी यूट्यूबर जो महिलाएं हैं या बहन हैं अपनी कोई भी है और काम कर रही है, हमने हर एक का इंटरव्यू डाला है, जिनका हमारे तक कॉन्टैक्ट हुआ है हमने उसी का इंटरव्यू डाला है अपनी वीडियो में, और अपना न्यूज़ चैनल भी है, न्यूज़ भी देते रहो वहाँ, मुद्दे ज़्यादातर लेडीज़ा के मुद्दे पाओगे अपने चैनल पर, तो भाई हमारा भी चैनल देखते रहो और बहन का भी देखते रहो। बिल्कुल भाई जी, यूँ समझ लो जितना भी मैं आप लोगों को कहूँ, हम लोग आपके दम पे उठे हैं, आपके दम पे चले हैं और आपके ही दम पे दौड़ेंगे, चाहे हमारा भाई होया, चाहे मैं हुई, चाहे ये कोई सी भी बहन हुई। जब YouTube का चैनल बनावा है ना, इतना बड़ा कालजा चाहिए है, क्योंकि आप सबका प्यार पाना ना आशी खेल नहीं है, आप सब हमारी रीढ़ की हड्डी हो, हमारी जान हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भाई के चैनल को भी दें, और हम मेरे को तो दे ही रहे हो, मैं तो यूँ कहती हूँ मेरे को तो इतना मिल गया कि मेरी जोड़ी छोटी पड़ गई, तो भाई सभी बहनों को भी भाइयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कहा करें, आपका कुछ जाना नहीं अरे भाई, अरे ऊपर बढ़ जाएंगे तो किस अपने देश का नाम होगा, और जब देश का नाम हो गया तो वर्ल्ड में छाना कोई छोटी बात को ना बहुत वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अपने साथ साथ देश न लेकर चलिया करो, देश का नाम हो जाएगा ना, तो मैं यूँ कहा करूँ वो दिन दूर नहीं है जब हम सारे बाण भाई एक दूसरे की फीलिंग समझ के एक दूसरे ने सपोर्ट करेंगे ना, वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया होगा। जी बहुत बढ़िया विचार है बहन के, अंत में एक भजन और बहन तो थोड़ा गुनगुनावांगे जो इसका फेवरेट और तगड़ा भजन हो, बहन थोड़ा हक गुनगुना दे हमारे दर्शक और गह लिए भी गाऊंगी। हाँ एक मैं सिर्फ दो लाइन मैं सुनाना चाहूँगी आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगे के बालाजी ओ तेरी कृपा ते ओ मेरी बिगड़ी बात संवर जागी, सब भगतां की जोड़ी भर दो मेरी ते आपे भर जागी। तो लास्ट में बाण ने बता दिया बालाजी की शरण में है बहन, यही बात है ना जी? हाँ जी भाई। तो भाई सब ने नमस्कार, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और कमेंट जरूर लिखियो, इन बाणाता ये बैठी हैं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं समाज में, बहुत अच्छा काम है, मन भी बहलाना बहुत बड़ी बात है, जो देखे हमारे इन चैनल ने भी देखा है, इनकी वीडियो भी देखे है, कम से कम वो एक जगह डटी रहे हैं, इधर उधर मन ना भटके, भगवान में मन लगा रहा है, इसलिए हमने इनका इंटरव्यू लिया है। तो इसी के साथ वंदे मातरम भारत माता की जय, राम राम जी जी।